वाला है। आज का टॉपिक है कि अपने पोल्ट्री के फीड में हम क्या बदलाव करें और पोल्ट्री फार्म के मैनेजमेंट में क्या बदलाव करें कि गर्मियों में मृत्यु दर हो ही ना या ना के बराबर हो। 10 टिप्स आज आपको देने वाले हैं। शुरू करते हैं 10 से। पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल पर मिलते हैं आपको रोज के अंडे के थोक भाव फ्री, ब्रॉयलर पूरे हिंदुस्तान के थोक भाव फ्री। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपको रोज के रेट मोबाइल पर चाहिए तो आप इस बेल आइकन, ये सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन आ रहा है, इसको दबा दें तो डेली के रेट, अनाज के रेट, चिक्स के रेट भी आपको रेगुलर आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो इससे हमें पता लग जाता है कि आप किस अगले मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हर 15-20 दिनों में चेंजेस करते रहते हैं, उन लिंक्स को डालते रहते हैं जिन पर आप क्लिक करें तो आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे आप अपने पोल्ट्री फार्म के मुनाफे को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आने वाली बीमारियों को पहले ही रोक सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो भी आप फीड में दे रहे हैं, कोशिश करिए कि वो वेजिटेबल का सोर्स हो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन मिलते हैं उनका उपयोग फीड में कम से कम करें या ना के बराबर करें, क्योंकि साइंस कहती है कि जो एनिमल प्रोटीन है वो एक्स्ट्रा हीट जनरेट करते हैं बॉडी में, जिससे बर्ड गर्मी में ज़्यादा गर्मी महसूस करता है और मृत्यु दर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अब टिप 9, रिसर्च कहती है कि फीड में अगर क्रोमियम, ये हर कंपनी की डोज अलग अलग होती है, आप पहले जो प्रोडक्ट लेंगे उसमें डोज देख लीजिएगा, उस डोज के हिसाब से क्रोमियम ऐड कर दें। टिप 8, बहुत साधारण सी टिप है, सब जानते हैं कि विटामिन सी ऐड करने से भी गर्मियों का जो दुष्प्रभाव है वो कम देखा गया है। हर कंपनी की डोज अलग है, परसेंटेज के हिसाब से भी डोज होती है, तो आप विटामिन सी भी अपने फीड में ऐड करना ना भूलें। टिप 7, फैट, अगर आप अपने फीड में मान लीजिए 2% फैट मिला रहे हैं तो आप उसकी फैट की परसेंटेज को 1% और भी ज़्यादा बढ़ा दें। इससे फ़ायदा मिलेगा क्या, फीड में एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्मी में बर्ड फीड कम खाता है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा एनर्जी जो फैट से मिल जाएगी, ये बर्ड को फ़ायदा देने वाली है। टिप 6, बीटेन, जी हाँ, अगर आप फीड में 1 ग्राम पर टन के हिसाब से बीटेन ऐड कर दें, इससे भी बर्ड को गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। टिप 5, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा हमारे घर में भी यूज़ होता है, मीठा सोडा अगर आप फीड में 3 किलो पर टन के हिसाब से मिला देते हैं तो इससे भी बर्ड को गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है। आप 4 किलो पर टन के हिसाब से भी दे सकते हैं। टिप 4, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये जब भी फीड की फार्मूलेशन बनाते हैं एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिस ना करें, गर्मियों में खास तौर पे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट डालने से बर्ड का जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो गर्मियों में जो ज़्यादा होने लगता है ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट से उससे ऑक्सीडेशन का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। टिप 3, पानी जब आप दे रहे हैं तो आप उसको हाथ लगा के चेक कर लें, अगर थर्मामीटर से चेक करना चाहते हैं तो 10 डिग्री तक का ठंडा पानी अगर आप बर्ड को देंगे तो उस फार्म पे मृत्यु दर ना के बराबर ही होगी, क्योंकि ठंडा पानी मिलने से बर्ड को राहत मिलती है और मोर्टैलिटी नहीं होती या ना के बराबर होती है। टिप 2, ये गर्मियों में जब फीड विदड्रॉ करते हैं ब्रॉयलर बर्ड का, तो वहाँ एंट्राइटिस की या गट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आने के चांस जो हैं एकदम ज़्यादा देखे गए हैं, तो आप अपने पोल्ट्री फार्म पे गट एक्टिंग जिंक बेसिट्रेसिन, BMD बेसिट्रेसिन, मिथाइलिन डाइसैलिसाइलेट या गट एक्टिंग और भी कोई चीज़ें आती हैं वो भी साइड में रखें, ताकि एकदम से उसको दे सकें आप। और टिप 1,
दोस्तों गर्मियों में बर्ड पानी ज़्यादा लेता है और उसकी जो एक्सक्रीटा है वो बहुत ज़्यादा गीली होती है, लीटर बहुत हद तक गीली हो जाती है और वहाँ अमोनिया गैस बनने लगती है। और एक तरफ से गर्मी और अमोनिया अगर इकट्ठे बर्ड को झेलनी पड़े तो बर्ड की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ सूखा चावलों का छिलका या लकड़ी का बिल्कुल सूखा बुरादा डाल दें। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे हमारा हौसला और बढ़ता है, हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आते हैं। और ये चार वीडियो जो डिस्प्ले हो रही हैं इन्हें भी देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।